दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि आप बिना किसी स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए हुए अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं चाहे वो गेम हो या फिर कोई वीडियो तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहां पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक, तो क्लिक करते हैं अब इस पर बाद आपके सामने का एक पूरा पेज ओपन हो जाता है अब यहां पर हम चले जाते हैं गेमिंग वाले ऑप्शन में गेमिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको मिलता है कैप्चर का तो हम चले जाते हैं कैप्चर वाले ऑप्शन में अब यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी मेन्यू ओपन हो जाती है इसमें आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी है जैसे कि मैक्स रिकॉर्डिंग लेंथ तो आप कितने देर कि तक रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप उस टाइम को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि कैप्चर ऑडियो रिकॉर्डिंग अ गेम गेम अगर आप कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका जो साउंड है अगर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर ऑन ही रहने देंगे उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछता है फ्रेम रेट के बारे में तो आप अपने हिसाब से यहां पर 60 आईपीएस या फिर 30 एस जो आपको सही लगे आप उसे यहाँ पर सेट कर सकते हो तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर सिक्सटी एफ एस यहाँ पर सेट कर लेता हूँ उसके बाद आपसे पूछता है वीडियो क्वालिटी की आपको यहाँ पर वीडियो क्वालिटी कैसी चाहिए हाई या फिर स्टैंडर्ड तो मैंने इसे यहाँ पर स्टैंडर्ड कर लिया है और साथ ही ये आपसे पूछता है कि क्या आप आपका जो माउस का कर्सर है उसे भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपना जो माउस का कर्सर है उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो मैंने इसे यहाँ पर ऑन कर लिया है अब हम बात करते हैं कि हम अपने गेम की रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ मिल जाता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यहाँ पर विंडो की प्लस अल्ट प्लस जी को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है तो चलिए आपको मैं फॉर एग्जाम्पल ये करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक गेम को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जो कि है मेरा फेवरेट टेकन थ्री

तो चलिए मैंने इनको यहाँ पर निपटा लिया है अब मैं इसके यहां पर बंद कर लेता तो हम दोबारा यहां पर दबाएंगे विंडो प्लस अल्ट प्लस जी आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है राउंड तो अब मैं आपको यहाँ पर जो आपका गेम है वो आपको यहां पर दिखा देता हूं तो सबसे पहले मैं गेम को यहाँ पर बंद कर लेता हूं तो अब मुझे अब तक जो गेम है उसको चेक करना है तो अब मैं चले जाता हूँ गेम की लोकेशन में तो यहां पर देखिए मैं गेम के लोकेशन में जा चुका हूं और आप यहां पर जो आपका गेम रिकॉर्ड हुआ था उसे आप यहां पर क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए और साथ में बता दूं कि ये ऑप्शन आपको विंडो में देखने को मिलता है अगर आपके पास विंडो 11 नहीं है तो आपको ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो अगर आप विंडो 10 यूज करें तो आप अपने विंडो को अपडेट करिए और विंडो 11 में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में